हाँ जी, सत श्रीकाल सारे नू। तो यार अज है फ्राइडे, तो टाइम हो गया है सवेर के 6 बज गए। तो अज असी जा रहे हाँ भगत नामदेव जी का गुरुद्वारा है, हिंगोली तो थोड़ा अगे है, हिंगोली वाली साइड। तो अप्रोक्स 96 किलोमीटर्स है। इन बिटवीन दो तीन गुरुद्वारे भी है, वो भी आप जावे दर्शन करा। तो रूम च मैं कला ही रह गया, बाकी सब चले गए। तो चलो आप भी चलते हैं गुरुद्वारा साहब मत्था टेकते हैं। तो अज असी जो है शेयरिंग जा रहे हैं, वैसे जिहड़ी ट्रैवलर्स चलदी हैं इतों संगतां लैके जांदियां, असी अज उन्हां नाल जा रहे हैं। तो आओ चलते हैं, मिलते हैं तुहानूं बस विच ही। नामदेव जी के मंदिर, ये कला ऐसा मंदिर है पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो जिसका मुख है जो उत्तर की तरफ नहीं है। इतने का इतिहास यही सुन के मैं तुम्हें दसदा कि ये इतिहास कैसे इतिहास यही है कि जो भगत नामदेव जी इतने नाम जपना से कीर्तन कर रहे थे तो जोड़े पंडित की पुजारी से उन्होंने छोटी जात का जान के फिर उन्होंने अंदर अंदरों मतलब बाहर कढ़ दिता। पर फिर ये जो मंदिर से वो मंदिर घूम गया, बाकी जो भी हमें तो इतिहास जान के फिर तुम दसते
1100 साल पुरानी है। बाबे को इतने आकर 750 साल हुए है। पुराने समय की बात है, बिजली नहीं थी आटा निकालने के लिए, तब यहाँ के संत लोग इसको बैल लगाया करते। चक्की को बैल लगाना, उसमें से आटा निकाल के संगतों को लंगर का प्रसाद खिलाना। नामदेव बाबा इतने गुरु धारण करने आए थे, जो पिछले पास इतने गेट है, भगवान शिव जी का जो मंदिर है वो 5500 साल पुराना है। पूरे हिंदुस्तान में शिव जी के 12 मंदिर बने हैं, उनमें से इतने वाले मंदिर का 8वां नंबर आता है, 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर दारुका पर देते हैं। जब पांडवों ने मंदिर ये बनाया, इसका गेट चलती दिशा में था, ये जो फोटो लगी है। इतना बड़ा मंदिर है, इसका दरवाजा पूर्व दिशा में था। उसे नामदेव जी गुरु कीर्तन करने लगे, महाशिवरात्रि का मेला चल रहा, लाखों संसद दर्शन के लिए आई थी, तो जाके सारी संगत बाबा नामदेव जी के पास रुकी। इतनी सारी संगत रुकने के कारण वहां जो पुजारी थे, पंडित थे, उनको अच्छा नहीं लगने लगा। वो कहने लगे, कहां से आए हो, मंदिर में आने की इजाजत किसने दी है? मंदिर में रुकना नहीं, पीछे जाओ। कीर्तन सुना, धक्का मुक्की देकर बाबा नामदेव जी को मंदिर के पीछे निकाल दिया। भगवान ने देख लिया कि बंदा मेरा सही बता, चलकर आया है नंगे पांव 400 किलोमीटर दूरी से, मेरे दरबार में धक्का मुक्की मिली। इतना बड़ा पत्थर का मंदिर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा घूम गया, आज भी मंदिर जमीन के ऊपर खड़ा है। मंदिर की वाणी आते करते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने लिखा है, हसत खेलत तेरे देवरे आया, भगत करत नामा पगड़ उठाया, हिंदड़ी जात मेरी जात मनाया, सिपे के जन्म काहे को आया, ले कमली चो लो पलटाए, देवरे पासे बैठा जाए, जो जो नामा हर गुजरे, भगत जना को देवरा फिरे। इतना बड़ा मंदिर घुमा दिया बाबे ने, सारे भगवान का दर्शन कर लिया। इतने बैठकर भक्ति की बाबे ने, और एक चक्की को देख लिया, ये सन्यासी लोग कैसे पीस के खा रहे। संगत ज्यादा बढ़ गई थी, संगत भूखी जा रही थी, बाबे ने बैल को हटाकर उस पे हाथ रख दिया और बिठल बिठल कहने लगे। चक्की अपने आप चलने लगी, ऑटोमेटिक ये चक्की चलने लगी, लगातार 3.5 दिन चक्की चलती रही। साधु संतो लाखों संगत को बाबे ने लंगर खिला दिया। उसी समय ये जगह छोड़ दी, पंजाब गए, जिसे गुरदासपुर जिले में गुमान पीर आता है, आज भी बाबे के नाम से इतने वीरवार में आटा निकाला जाता है। यार इतिहास हो ये जन तुम दस रहे सी, इतने भगत नामदेव जी ने जो है भक्ति भी करी है, तो इतने मंदिर से जिते उन्होंने आके कीर्तन करे, सामने मेरे सामने मंदिर है। इतने जो चक्की तुम वेखी होने, इतने चक्की का इतिहास तुम सुने, 3.5 दिन जो है चक्की चली सी भगत नामदेव जी दे, एक सिर्फ हाथ रखने वाली, उसके बीच आटा पीसया जाता, वीरवार को भी आटा पीसया जाता। तो ये थोड़ा बैक साइड है मंदिर का, आप दूसरी तरफ चलते हो। लिखा वाला हसत खेले तो तेरे देवरे आया, भगत करत नाम पगड़ उठाया, इंगड़ी जात मेरे जात मर आया, सीपे के जलम काहे को आया, ले कमली चलो पलटाए, देवरे पासे बैठा जाए, जो जो नामा हरगुना उचरे, भगत जनों को तेरा देवरा फिर। जब वो पूर्व वाला गेट पश्चिमी को चला, आगे नामदेव जी का मंदिर है। इधर देखो 1 2 3 बंदे रहेंगे, आ तीन बंदे नु पैर गना चीछे ना, इतने चार देश देख लो, 1 2 3 4, इसको अलग अलग किए तो 6 पैर बन जाएंगे। आ दो बंदे कट कर दे, एक बंदा पूरा हो गया, 2 पैर हो गए। अच्छा, आ दो बंदे कट कर दे, 2 बंदे 4 पैर हो गए, और आ दो बंदे कट कर दे, 3 बंदे 6 पैर हो गए। ये पांडव ने शिल्प कला बनाया, जड़ा मंदिर घुमाता है, इसको न्यू न्यू उंगली जा सकती है मंदिर के अंदर। देख लो बिना फाउंडेशन मंदिर रहेगा। जो साइंसी लोग यानी जापानी लोग थे, इन्होंने हेलीकॉप्टर और दूरबीन से चेक किया था, बिल्कुल ही नींव नहीं, जैसे आप उन जमीन पर खड़े ना, इसकी नींव नहीं है। हाँ, बिना फाउंडेशन, बिना फाउंडेशन के मंदिर है। और इतने गणेश जी की पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, ये आप। अच्छा, ये गणेश जी की पत्नी वो सामने। हाँ, वो सामने। और जो 6 महीने की रात थी और 1 दिन था ना, वो पांडव ने एक ही रात में मंदिर बनाया था। एक ही रात में बनाया। एक ही रात में क्यों बनाया? जो यहाँ पे जो उनके पास दिव्य शक्ति थी ना बाबा जी। नहीं मतलब एक रात में बनाने का मकसद क्या था वो क्या मालूम, लेकिन जो साक्य में पता है वही बता रहे हैं ना। अच्छा। पाड़ी काट काट के बनाया था मंदिर। ठीक ठीक।
बदल देना। टाइम हो गया 11:30 और असं पहुँच गए संत नामदेव जी के जन्म स्थान पर। ये भी इन बिटवीन पैंदा, मेरे ख्याल आखिरी है, इस तो बाद शायद वापसी होगी। चलो चलते, छोटी जी मार्केट है इतने गंदे मार्केट। नामदेव दी छपरी, ये है जन्म स्थान। यार टाइम बीतता जा रहा, वैसे तो 12:15 हो गए, तो थोड़ा अगे आए हैं। पिछले जो तुसी वीडियो देखी, नामदेव जी का घर सी, उन्हां दी छपरी सी, तो हुण आए असी जिथे उन्होंने तपस्या करी है। ये जगह 2 किलोमीटर दूर है उत्थों। आओ चलते हैं अंदर। यार टाइम हो गया है हूँ 1, तो ये फाइनली लास्ट गुरुद्वारा साहिब है नामदेव संत जी के नाँ पर। ये जड़ा डिस्ट्रिक्ट हिंगोली पैंदी है, उत्थे गुरुद्वारा है, तो इस तो आई थिंक 2-3 किलोमीटर तो उन्होंने घर से जिथे उन्हों जन्म स्थान है, उस तो 2-3 किलोमीटर इधर है गुरुद्वारा साहिब बनाया हुआ है। इतने जिदा संगत आदि तो इतने लंगर पानी छक के फिर वापसी नंदेड़ साहब पहुँचते हैं।
लग जाएगा सानू 2-3 घंटे तो लग जाने, शामी 4-3-4 तो बज ही जाने पहुँचते। यार इस टाइम असी है कलेश्वर मंदिर नरसी नामदेव तो असी 3:30 बजे आ गए सी। इतने आए सी एक डैम देखन, डैम से परमिशन लेनी पैंती है पहला या थोड़ी कोई जान पहचान हो ताई जान देंदे। नाल ही मंदिर है ते बीच बैक साइड च गोदावरी है, बस यही देखन आए सी। यही लास्ट स्पॉट सीगा साडा नांदेड़ च। इस वीडियो नू ही बंद कर दे, टाइम 9:40 हो गए। वीडियो तुसी देखिया नितिन गडकरी जो मिनिस्टर है इंडियन गवर्नमेंट दे, वो भी आए मत्था टेकन उस टाइम। वीडियो नू लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे।